जी हाँ, नमस्कार साथियों, एक और बड़ी खबर जोधपुर जिले से मिल रही है, जिसमें आपको बता दें कि जोधपुर के लवली कंडारा एनकाउंटर फर्जी प्रकरण कहानी को लेकर एक बार आपको बता दें कि सियासी विवाद फिर से चालू हो गया है। जिसमें आपको बता दें कि जोधपुर के लवली कंडारा फर्जी एनकाउंटर मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दो अलग अलग भागों में बन नजर आ रही है। आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने इस मामले को फर्जी बताते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदमा राम मेघवाल ने इस पुलिस फर्जी एनकाउंटर प्रकरण कहानी को सही बताया है। पुलिस कर्मियों को निलंबन को मनोबल पर गिराने वाला बताया है। इस टिप्पणी पर आरएलपी प्रदेश अध्यक्ष पुरखा राज गर्ग ने भी उदमा राम मेघवाल को नोटिस थमा दिया है। दरअसल बीते दिनों जोधपुर पुलिस ने इस मामले को हिस्ट्री सीटर को अंजाम दिया। इसके बाद आरएलपी संयोजक व सांसद हनुमान बेनीवाल इस मामले को फर्जी बताते हैं और लवली कंडारा के साख को लेकर आपको बता दें कि धरने पर बैठ जाते हैं। आपको बता दें कि इस मामले को अंजाम देने वाले पुलिस अधिकारी को निलंबन करने की मांग पर अड़े रहे और उसके निलंबन के बाद ही धरने को समाप्त किया गया। वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उदमा राम मेघवाल ने इस मामले को सही बताया है और पुलिस निलंबन को शर्मनाक और पुलिस का मनोबल गिराने वाला बताया है। आरएलपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुरखा राज गर्ग ने उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल को नोटिस जारी किया है। पार्टी लाइन एवं विचारधीन विपरीत अपने फेसबुक पर भी पोस्ट किए, जो पार्टी की रीति नीति से हटकर बयान जारी, इसके पीछे क्या भावना है, 5 दिन में इस नोटिस का जवाब पेश करें, अन्यथा पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा, इसके चलते जवाब के लिए 5 दिन का समय दिया है। सो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।